देखी स्माइल अनु और अनु के पापा खड़े हुए हैं और आज का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। ये देखिए, ये देखो, हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का मौसम कैसा हो रहा है? आज का मौसम अच्छा हो रहा है ना, है ना? मौसम है सुहाना और लाइट भी नहीं है और बैटरी चार्ज भी नहीं है मोबाइल की। और बस नाइट मोड में बनाओ, बहुत साफ आएगा, इतना अंधेरा करो। तो देखिए कितनी आंधी चल रही है, बहुत रोजाना एक आधी छोड़ के ऐसी आंधी आ रही है। मौसम ठंडा ही हो रहा है और बारिश भी आने वाली है। तो और इस मौसम में अच्छा आप खोल अच्छा लग रहा है यार, वीडियो बना रही थी। तो देखिए अब बारिश तैयार हो गई है तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। ठंडा मौसम हो गया, बादल आ गए और बारिश भी होने लगी है। तो बूंदाबांदी होने लगी है तो मैं नीचे जा रही हूँ। कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, ये लोग तो पक गए, बारिश आ रही थी तो देख के। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी देखिए हम लोग ऊपर से भी आ रहे हैं और ऊपर इतने अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश बादल आ रहे थे तो बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो बस बारिश इतनी तेज़ घनी होने लगी है। और ये ब्लॉग आज का नहीं है, ये ब्लॉग है 14 मई का ब्लॉग है, ये जिस दिन हम लोगों की एनिवर्सरी थी। हाँ हाँ, 14 मई को हमारी एनिवर्सरी होती है, तो बस उसी दिन का ब्लॉग है जब रमज़ान चल रहे थे। तो बस रमज़ानों में बिजी थे इसलिए मैं इसकी वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई थी, आप लोगों संग शेयर नहीं करा था मैंने और ना पोस्ट करा था मैंने इसको। तो अब मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं पोस्ट कर दूँ इसकी एडिटिंग करके। तो ये वीडियो मैंने आज देखा तो मैंने इसको एडिटिंग करा और तो बस, तो मैं उस अपनी आज मैं अपना पूरा ब्लॉग अपनी एनिवर्सरी वाले दिन का बताऊँगी कि किस दिन हमारा एनिवर्सरी का दिन कैसे निकला, कैसा करा हम लोग, क्या खाया क्या पिया, बस वही मैं आप लोगों संग शेयर करूँगी। का टाइम था तो वह जोहर की नमाज़ पढ़ के लोग हम लोग ऊपर गए थे, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था तो थोड़ा सा ऊपर घूम के आए और फिर इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। तो बस बारिश हो के फिर हम लोग थोड़ा बैठे और फिर मैंने हम लोगों ने शुक्राने की भी नमाज़ पढ़ी उस दिन। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बस इस तरीके से जो 30 साल निकल चुके हैं हंसी खुशी से और मिलजुल के, और बाकी के भी 30 साल ऐसे गुजर जाएँ अल्लाह से, बस यही दुआ करी थी हम लोगों ने। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया था कि इस तरीके से ज़िंदगी निकल रही है, इस तरीके से आराम से ज़िंदगी निकल रही है हम लोगों की, एक दूसरे का साथ दे के मिलजुल के। तो बस और फिर हम लोगों ने मैं आज, वैसे तो हम लोग एनिवर्सरी बनाते नहीं है ना बर्थडे बनाते बच्चों का सेलिब्रेट करते, क्योंकि उनको अच्छा ही लगता है इसलिए कोई सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस घर में ही कुछ अच्छा सा बना उनके खा लेते हैं और इसी में हम लोगों की खुशी होती है। ये बोलते हैं कि ना कि क्या बर्थडे क्या एनिवर्सरी, जिस दिन अपना कुछ अच्छा बन जाए खा लें वही हमारा बर्थडे और सेलिब्रेट होता है, बर्थडे और सॉरी एनिवर्सरी होती है। तो बस कोई बर्थडे या एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं, बस वो तो ऐसी मैसेज आ जाते हैं तो उस चक्कर में पता चल जाता है और बस उस चक्कर में फिर हम लोग कुछ अच्छा सा बना के खा लेते हैं। और अभी बस मैंने छोले हो के रखे थे मैंने पहले ही, तो बस छोले को मैं कुकर में डाल के उबलने रख दिया था और मैं चाय बनाई, फिर चाय पी हम लोगों ने। कोई चाय तो बस लगती है तो पीना पड़ती है चाय, आप बोलते होगे कि हर बार जी चाय पीते रहते हैं, तो बस इनके साथ साथ मुझे भी चाय की आदत हो गई, मैं भी चाय पीती हूँ, मेरे को भी चाय पीने का लग गया है। वैसे ये पीते चाय तो मेरे उनको कंपनी देने के चक्कर में मुझे भी चाय पीना पड़ती है, तो बस मेरे को भी चाय की इस तरीके से आदत पड़ गई। तो बस मैंने चाय पी के किचन में आई हुई हूँ और बस किचन में मैंने खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस खाने में मैं बनाऊंगी आज छोले पनीर और छोले पुलाव और रायता पूड़ी, बस यही बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने छोले उबाल के रख लिए थे, तो छोले अच्छे से उबल चुके हैं और उनको मैंने उतार दिया छोलों को, और अब मैंने पनीर की छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और उनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी पनीर को और निकाल लूँगी। और मैंने टमाटर का, अदरक का, लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है, बस वही डालूंगी, लहसुन ही डाला है इसके अंदर, सॉरी अदरक और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार करा है। और बारीक बारीक प्याज काट ली है मैंने, तो जब तक
इधर तेल गर्म होगा तो इधर मैं फ्राई कर रही हूँ पनीर को। और मैं पूरा पनीर नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा पनीर मैं चावल के लिए बनाऊँ, चावल पुलाव बनाऊँगी ना, छोले पुलाव, तो उसमें थोड़ा पनीर भी ऐड करूँगी और बाकी का पनीर मैं छोले की सब्ज़ी में डालूँगी। छोले पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें ऐड बनाऊँगी। तो बस इस तरीके से मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, इससे इसकी महक चली जाएगी और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब से तो देखिए अब मैंने एक तरफ मैं तेल गर्म करने के रख दिया है, वही सरसों का ले लिया है मैंने अच्छा सा, एक डेढ़ चम्मच तेल ले लिया है और उसमें मैं चार पत्ते लिए तेज पत्ते। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये तेज पत्ते डाल दूँगी और तेज अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं प्याज ऐड कर दिए मैंने, और ये देखिए पनीर सारा फ्राई हो गया है। इसको मैं दो बार टुकड़ों में फ्राई कर लिया है पनीर को, और बस इसको प्याज को उसमें अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है बिल्कुल ब्राउन, लाल तरह की लाल ब्राउन प्याज भूनना है बिल्कुल, घेरी कच्ची प्याज बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल लाल। और ये पनीर को हमें थोड़ा गुनगुना पानी कर लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा उसको डिप करके रख दिया जिससे सॉफ्ट हो जाएगा पनीर और जैसे अच्छा लगेगा। तो बस मैं अब जब तक प्याज भूनती हूँ, और देखिए प्याज इस तरीके से पूरी लाल ब्राउन भून लेना है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहना है। और देखिए छोले मैंने कुछ बचा लिए हैं, और कुछ छोले मैंने आधे छोले मैंने इस सब्ज़ी बनाने के लिए ले लिए, और इन प्याज के अंदर मैंने छोलों को ऐड कर दिया है। तो छोलों को अच्छे से प्याज के संग भूनना है, इससे अच्छे से ये छोले भी पक जाएं, ऑयल में फ्राई हो जाएं अच्छे से। और ये इसकी महक इतनी तेज़ आ रही थी ना जब मैंने ये बनाई थी, छोले पनीर बहुत अच्छी महक आती है और इतनी अच्छी खुशबू, अगर आप होते तो पास में ज़रूर आपको सुनाती कि कोई इतनी अच्छी खुशबू महक आती है इस रेसिपी की। और आप जरूर एक बार इस तरीके की रेसिपी बना के देखना, छोले पनीर बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं, यम्मी बनते हैं, और आप गोश्त खाना भूल जाओगे इस ये छोले पनीर की रेसिपी खाओगे। छोले ये मटन को भी मात कर देता है ये छोले पनीर की रेसिपी। तो बस जो मैंने टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करा था उसके अंदर मैं सारे ड्राई मसाले डाल लिए और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि छोले अच्छे से भुन गए थे, फ्राई हो गए थे उसके अंदर ऑयल के अंदर। और मसाले को भी अच्छे छोले के साथ भून लेना है इस तरीके से। देखिए मसाला भून जाना चाहिए और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले का, मसाले का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भून गए छोले। और बस तेल ना छोड़ दे जब तक इसको भूनना है, और देखिए इससे तेल भून गया है और अच्छा कलर भी चेंज हो गया है मसाले का। तो बस जो मैंने पानी छोले का जो पानी बचा हुआ था वो मुझे फेंकना नहीं है, वो मैं इस पानी इसी के अंदर ऐड करूँगी, उससे ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस मैं थोड़ा सा मैंने जो पानी पनीर को भी भिगो के रखे हुए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर, थोड़े से पनीर मैंने बचा लिए क्योंकि मैं चावल पुलाव में डालूँगी, आपको पता ही है, बताती जा रही हूँ बार बार। तो बस इनको भी अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी पनीर को भी। और देखिए ये पानी रखा हुआ था मैंने निकाल के फेंका हुआ था, वो पानी भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और आपको जितना पानी ऐड रखना है इसके अंदर रख सकती है, आपको पतला मैं मीडियम रखूँगी पानी, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, अगर मुझे गाढ़ा लगेगा तो मैं थोड़ा सा पानी अलग से ऐड कर दूँगी। और सारे जो पत्ते मैंने तेज पत्ते डाले थे वो भी निकाल दूँगी, जिससे आपकी थाली या कटोरी खाते वक्त नहीं आए, सॉरी, इसलिए मैं सारे पत्तों को भीन के छाड़ के निकाल दूँगी। ये देखिए मैं सारे पत्ते निकाल लिए, और मैं देख लूँगी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है और कितनी पतली की, तो उसके हिसाब से मैं पानी ऐड कर दूँगी, और तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी और उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी अच्छे से फूल आँच पे थोड़ा सी देर के लिए, जब तक एक दो खोली आ जाएंगी इसके ऊपर, फिर मैं इसको मद्दी कर दूँगी, मद्दी के पकने दूँगी। और जब तक ये थोड़ा सा खोली होती पकता है इसका रेसिपी पकती है, सॉरी छोले पनीर पर जब तक पकेंगे तब तक मैं चावल छोक लगा देती हूँ। तो कुकर को मैंने धोया हुआ नहीं था जिसके अंदर मैं छोले वाले थे, उसी के अंदर मैंने चावल भी छोक दिए, तो आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा होगा कुकर। तो बस ये मैं थोड़ा सा ड्राई वो सॉरी खड़ा गर्म मसाले सारे और जीरा मेरा जो भी है खड़ा मसाला ड्राई वो मैंने इसके अंदर तेल में डाल दिए, तड़का लिए, और प्याज डाल के भून लेंगे प्याज को। और प्याज जब अच्छे से भून जाएगी तो हरी मिर्च और छोले जो मैंने बचाए निकाले थे वो डाल दिए, छोलों को भी अच्छे से भून लूँगी। और चावल जो मेरे पास बच्चे रखे हुए हैं बासमती वाले चावल हैं, ये भी छोटे टूटन वाले चावल है, वो ही बनाऊँगी घर में, कोई हम लोगों को ही खाना है, कोई गेस्ट वाला तो आ नहीं रहा, तो मैं कोई अच्छा चावल नहीं बनाऊँगी, जो घर में हम रोज़ खाते हैं वही चावल का पुलाव बनाऊँगी। तो बस ये देखिए मैं चावल भी अच्छे डाल के अच्छे से भून लिए हैं और अदरक और पनीर भी डाल दिए इसके अंदर। तो बस मैंने कुकर का ढक्कन लगा के रख दूँगी, और कुकर का ढक्कन लगा के ज़्यादा सीटी आएगी तो सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, और मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो देखिए सब्ज़ी भी अच्छे से बन गई है, तो मैंने इसमें हरा धनिया धो के अच्छे से बॉस करके डाल दिया है, और देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है। और इस तरह मैंने रायता ही बना लिया है,
और अब बस मैं पूड़ी बनाऊंगी। तो मैंने आटा भी गूंद के रेस्ट करने के लिए रख दिया था जब तक, तो आटा भी रेस्ट ना हो गया था मुलायम। तो अब बस मैं पूड़ी निकाल दूंगी, अब सब लोग खाना खाएंगे। और जो बगल में हम लोगों के एक रहते हैं किराए से, तो बस अकेले हैं, तो वो इतना उनकी भाई वाला नहीं है, तो बस उनको भी मैं एक थाली में निकाल के उनको खाना दे दूंगी। तो जब कुछ अच्छा बनता है तो मैं उनको हम लोग उनको खाना दे देते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं, कहाँ बनाएंगे अच्छा खाना पीना। वो बस रोज़ का खाना बना के खा लेते हैं अपना जैसे तैसे। तो बस उनको भी मैं एक थाली में लगा के उनको भी खाना दिया मैंने सारा, और अब बच्चे भी खाएंगे। तो बस मैं उन लोगों को खाना जल्दी जल्दी पूरी सेक देती हूँ और फिर बच्चे वाला खाना खा लेंगे। तो देखिए मेरा खाना रेडी तैयार हो गया है, पूरी और छोले पनीर की सब्ज़ी और रायता और छोले पुलाव की छोले पुलाव राइस, ये देखिए बना रही है। देखिए खाना मेरा रेडी है और बच्चों ने भी हेल्प कर दी थी मेरी, सलाद वगैरह काट दिए थे और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मेरी हेल्प करते आते हैं जब जल्दी जल्दी होती है काम की। तो देखिए बच्चे भी खुद खाना लगा रहे हैं, दस्तर खाना लगा दिया है और बस अपने पापा को और अपने खुद बैठ के खाना खाएँगे। तो और ये केक तो हम लोगों ने नहीं मंगाया हुआ था, ये किसी का आज बर्थडे भी था नीचे, तो वहीं से केक भी आया हुआ था। तो हमने सोचा देखिए आज तो अपन लोगों का केक नहीं आगे, अपन लोगों का केक नहीं आया था, तो केक भी नसीब हो गया एनिवर्सरी पे। तो कुछ मीठा भी होगा, सो मीठा नहीं बना पाई और बाकी सब कुछ बना दिया था मैंने। कोई बारिश हो गई थी तो कुछ सोचा नहीं था क्या बनाया मीठा, तो नहीं बनाया मैंने। तो मैंने चलो उसी से काम चला लो, फिर कभी बनाएंगे मीठा। तो बस ये हम लोगों का आज का डिनर है, खाना है। तो बस यही अच्छा सा बना लेते हैं कुछ, और बस यही हम लोग का एनिवर्सरी सेलिब्रेट है, यही बस जो अच्छा बन गया खा लिया। जिस दिन ही हमारा एनिवर्सरी और बर्थडे होता है तो, और बच्चों ने अच्छे से पेट भर के अच्छे से खाना खा लिया, और तो बस यही अच्छा लगता है कि हाँ चलो अपन अच्छे कुछ भी अच्छे से मेहनत से बनाओ और बच्चे सच्चे पेड़ के अच्छे से खा लें, और उनका तो इसमें इतनी खुशी मिलती है ना बहुत ही ज़्यादा कि चलो हम लोगों ने बनाया और बच्चों ने अच्छे से पेड़ के खा लिया खाना, तो उससे बहुत अच्छी खुशी मिलती है और अच्छा लगता है मन को। इतना बना के खिलाने में बहुत ही अच्छा खुशी सुकून मिलता है। तो बस सबको खाना पीना हो गया है और इतना खाने में का शौक नहीं होता है, इतना बस बना के खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और देखिए अब खाना पीना सबों का हो गया और जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, और हम लोग जब तक खाना पीना बना रही थी मैं, तो देखिए बच्चों ने पता नहीं क्या गेटिंग हम लोगों के लिए बना के भी रख लिया है। और देखिए अपना थोड़ा सा घर की ही दिखा रहे हैं, ये इनके पापा ने सब डेकोरेट करा हुआ है यहाँ पे, ये पॉट बनाया हुआ है, ये फूल्स वगैरह लगाए हुए हैं, लाइट लगाई हुई है। और देखिए बच्चों ने ये बना के रखा हुआ था कार्ड जब तक मैं अपना खाना बना रही थी, पता नहीं बच्चों ने हम लोगों को ये सरप्राइज़ दिया हुआ है। और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कार्ड भी बना लिया है बच्चों ने हम लोगों को देने के लिए, कि चलो अपन मम्मी पापा को कुछ देंगे, कुछ बाज़ार तो मार्केट जा नहीं सकते, लॉकडाउन है तो कुछ लेके आए, वैसे भी कहाँ जाएंगे बच्चे, पापा से ही मंगाएंगे कुछ भी जो जाएंगे मंगाना होता उनको। तो बस उन्होंने अपनी हाथों से छोटे छोटे हाथों से ये छोटा सा गेटिंग बनाया है, बहुत खूबसूरत गेटिंग बनाया है। तो अपनी खुद अपने आप ही इसकी वीडियो बना रहे हैं और मुझे पता भी नहीं, और हम लोगों को फिर मैं सारे काम से फ्री होके अंदर आके बैठी हूँ। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं, रात में 10-11 बजे का टाइम होगा, तो बस हम लोग को देखिए गेटिंग के लिए और कितना अच्छा खूबसूरत गेटिंग है, अच्छा लग रहा है ना। चलो बच्चों ने कैसे बनाया, बच्चों ने कैसे बनाया छोटा या बड़ा गिफ्ट हो, घर पे मेहनत से बनाया है, अच्छा लगे। ये देखिए लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा, अरे वाह, खुश रहो बेटा, अच्छे से आपका तरक्की करो, माँ बाप की दुआ है तुम्हारे साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, वेलकम। देखिए अच्छा ये पोज मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फ्लावर पत्ती और ये पीछे से दिख रहा है, ये चीजें पीछे भी है, अरे वाओ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा। चलो ठीक है बनाया बच्चों ने, किसी आप दोनों ने बनाया सर, अपनी बनाया हम बनाया, सभी ने मिलके बनाया, सभी ने बनाया। चलो ठीक है, जो घर में जो था कुछ उन्होंने वैसे बनाया, वेल डन, आगे भी ऐसे ही। इस गेटिंग को देख के बताया क्या बोले थी, कहती मम्मी मम्मी देखो ये है ना, ये गेटिंग अपने ये वाला फूल आप हो और ये छोटा वाला फ्लावर मैं हूँ। तो कहती मम्मी और बेटी कहती है आप हो मम्मी और ये मैं हूँ, मैं छोटा फ्लावर। इतनी हंसी आई थी ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी इसने पापा का मम्मी अपना अपना और मम्मी का कार्ड बना लिया इसने।
चलो अच्छा लगा है ना। ये लड़की बोले थी, ये लड़की तो फिर आपको मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग कैसे लगा? अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी एनिवर्सरी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो बस यहीं पर मेरी वीडियो को एंड करती हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।